अध्यक्ष। मुंबई से बड़ी खबर है, लाल बाग की बिल्डिंग में आग लग गई है मुंबई में। यह समय की बड़ी खबर, जहां पर मुंबई के लाल बाग इलाके में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया है। जिस जगह पर आग लगी, दरअसल वो एक बिल्डिंग है, लाल बाग इलाके में ये बिल्डिंग स्थित है जहां पर आग लगने की जानकारी है। और मौका जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। देखिए, आप बहुमंजिला ये इमारत है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आसपास कई और बिल्डिंग्स भी नजर आती हैं और दूर से ही धुएं का गुबार नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग का जो ऊपरी इलाका है, ऊपरी मंजिल, वहां पर आग लगी है। अब आग किस वजह से लगी है, अभी इस बाबत जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। लाल बाग में ये बिल्डिंग बताई जा रही है, लाल बाग एरिया है जहां पर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। काले धुएं का गुब्बार तस्वीरों में आपके सामने, ऊपर की मंजिल में ये आग लगी है और धीरे धीरे ये आग बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। और आसपास जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, वो रेसिडेंशियल इलाका साफ तौर से नज़र आता है। कई जगहों के पे कमर्शियल कुछ ऑफिसेज भी संचालित होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो धुएं का गुबार है, ये धुआं लोगों के लिए सांस लेने में दिक्कत ज़रूर अब बनता हुआ नज़र आता है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ज़रूर मौके पर पहुँची, लेकिन कई चुनौतियाँ सुरक्षा बलों के लिए भी हैं, क्योंकि कई ऐसे फ्लोर्स हैं जो इस आग की चपेट में नज़र आ रहे हैं। तो मुंबई के लाल बाग की ये बिल्डिंग है, लाल बाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुमंजिला इमारत, किस वजह से आग लगी है अभी कुछ सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिस तरह नैना आपको बता रही है कि फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है, फायर कर्मी लगातार इसी कोशिश में है, इसी जद्दोजहद में कि सबसे पहले इस आग पर काबू पाया जा सके। और कुछ ऑफिसेज भी यहां से चलते हैं, हालांकि अभी ये भी जानकारी नहीं है कि क्या कुछ अंदर लोग फंसे हुए हैं। तो लगातार आग को बुझाने की कोशिश जारी है। सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, मुंबई के लाल बाग की तस्वीर। जी हाँ, टाइम्स ऑफ भारत आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहा है, मुंबई के लालबाग इलाके में ये बिल्डिंग है जहाँ पर आग लगी है। हालांकि आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, आग कैसे लगी, कितने लोग अभी इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और जो अभी परिस्थिति है उसकी जानकारी का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये ज़रूर नज़र आता है कि बहुमंजिला इमारत और ख़ासतौर से आसपास के भी जो इलाके हैं वो काफ़ी घनी यहाँ पर बिल्डिंग साफ तौर से नज़र आ रही हैं। पास में ही एक और आपको बिल्डिंग नज़र आ की है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। सिद्धांत हमें जानकारी देंगे, सिद्धांत क्या हुआ, कैसे ये आग लगी, क्या अपडेट है अभी? जी, बताया जा रहा है कि 11:51 की ये घटना है, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमें डिटेल मिला है। 11:51 की घटना बताई जा रही है और आनंद फानन में जितनी भी दमकल की गाड़ियां थी आसपास के फायर स्टेशन की, उनको मूव किया गया है। वन एविग्ना ना सिर्फ परेल इलाके की बल्कि मुंबई की एक बड़ी और इमारत मानी जाती है, जहां पे काफी मशहूर और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। ये इमारत करी रोड पे स्थित है परेल इलाके में, और लेवल 3 इसको रेट किया गया है फायर विभाग द्वारा। और जितनी भी फायर की टीम्स हैं, ना सिर्फ बायखला फायर स्टेशन से बल्कि आसपास के जितने भी फायर स्टेशन थे, उन सबको वहां पे प्रेस किया गया है। जो आग है वो तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है किस प्रकार से फैल रही है, कितने लोग इमारत के अंदर फंसे हैं या उनको कैसे बचाया जाएगा, इस बारे में अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है फायर विभाग की ओर से। बल्कि लेकिन फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है वो अभी जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन सिद्धांत क्या जानकारी है, क्या इस बिल्डिंग में लोग फंसे हुए थे, आसपास जो लोग हैं, क्या आप उन इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है, और जो दूसरे जो इलाके हैं जहां तक हम धुएं का गुबार जाता हुआ देख रहे हैं, वहां पर भी इसका प्रभाव है? देखिए, लोग इमारत में फंसे हुए हैं या नहीं है, इस बात की पुष्टि अभी तक फायर विभाग ने नहीं की है, लेकिन एक रिहायशी इमारत है और यहाँ इस इमारत के अंदर लोग रहते हैं, इस बात का हमें कंफर्मेशन है। तो क्या वो आग लगने से पहले इवैक्यूएट करा लिए गए थे बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, या क्या हुआ था, इस बारे में भी हम और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर तस्वीरें जो हमारे पास उपलब्ध है, जो वीडियोज निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे ये बात साफ होती है काफी भीषण है और 3-4 जो माले हैं बिल्डिंग के, उनमें लगी हुई है। यही वजह है कि एक हाई अलर्ट मुंबई फायर डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, और जितने भी आसपास के फायर स्टेशन की टीम्स हैं, फायर टेंडर्स हैं, उनको मौका है वारदात पे भेजा जा रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ।